العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المصنف رحمه الله الرابع والتحذير وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعده أو ذكر المحذر منه مكررا مثل إياك والأسد وإياك وأن تحذف والطريق والطريق وتقول إياك من الأسد ومن أن تحذف وإياك أن تحذف بتقدير منه ولا تقول إياك الأسد لإمتناع تقدير منه شو تيجا جهام فولي به كفالكو هزفك الناو تحذيره और तहज़ीर वो है कि इतकी फैल मुक़दर का मामूल हो वह हुआ मामूल उम्म तकदीर इति और वह यानि तहज़ीर इत फले मुक़दर का मामूल यानि मफ़ूल भी होता है तहजीरम उस चीज़ से डराने के लिए जो उस मामूल के बाद है और विकलम या महाजराम हूँ मुकरर जिक्र किया जाए जैसे इया कबल असद शेर से बच व ईया का अन तहजीफा खरगोश को लाठी मारने से बच यानी खरगोश को लाठी मत मार और तरीक़ा तरीका रास्ते से बच व तक आप कह सकते हैं कमीन असदी या कमी अन तहजीफा व्याया का अन तहजीफा बे तकदीरमिन और या का तहसीबा मिन को मुकदर मानकर भी कह सकते हैं वाला तर आप इस तरह नहीं कह सकते या कल यानि मिन को मुकदर मानकर नहीं कह सकते क्यों? क्योंकि इम्तिना तकदरमिन मिन के मुक़दर मानने के मना होने की वजह से तलब अज़ीज़ यहाँ से साहिब किताब उस चौथी जगह और चौथे मकाम को बयान फरमा रहे हैं जहाँ के फेल को हजफ़ करना वाजिब है इससे पहले एक इबारत आई थी मफुल बी के जिम्न में वजूबन फी अरबाती मवादिया कि चार जगहों पर मफुल ब के फ़ेल को हजफ़ करना वाजिब है क्यासी तौर पर उनमें से तीन जगहों और तीन मकाम का बयान हो चुका है चौथी जगह या चौथे मकाम को मुसनफ़ बयान करने जा रहे हैं और वह तहज़ीर है तहजीर ये बब तफ़ी का मसदर है इसका लोकई माना है डराना अब डराना इसके ज़िमन में चार चीज़ें आती हैं एक डराने वाला एक जिसको डराया जाए जिस चीज़ से डराया जाए और से डराना तो डराने वाला उसको महजर कहते हैं और जिसको डराया जाए उसको महज़र कहते हैं और जिस चीज़ से डराया जाए उसको महज़र मिनहू कहते हैं और नफ़ से डराना उसको तहजीर कहते हैं इसको आप एक मिसाल से भी समझ सकते हैं जैसे एक मिसाल यानी महज़र, महज़र, महज़र मिनहू और तहजीर हज़र राशिदन खालिदन मिनल असदी राशिदुल ख़ालिद खा राशिद ने खालिद को शेर से डराया तो यहाँ पर डराने वाला मुहा राशिद है और खालिद यह महाजर है यानी उसको डराया जा रहा है और किस चीज से डराया जाना शेर से डराया जा रहा है तो असद ये मुहाजर मनहू है और राशिद का खाली को ये डराने का ये फैल ये काम ये तहज़ीर है चनानचे मुसनफ़ ने आगे तहजीर की तारीफ बयान की है उसकी असला तारीफ़ दो तरह से मुसन ने की है वह वो मामूल बे तकदीर इत तहज़ीरम इमाबाद यानी तहज़ीर वो इसमें मनसूब है जो इत या बद बाद फैल का मुकदर का ऐसा मामूल हो जिसको अपने माँ बाप से डराया गया हो चाहे फिर वो इसमें मनसूब है इसमें हकीकी हो या इसमें तावीली हो तारीफ़ की सूरत में मफुल मुहज़्ज़र और उसका माँ बाप मुहजर मीनू होगा जैसे इसमें हकीकी की मिसाल है हैिया कवल असदा, असदा और इसमें तावीली की मिसाल व अन तजीफा या का अन तजीफा ये इसमें तावीली की मिसाल है इसलिए कि अन मजदरिया हैं मजदर की तावील में होकर वो इसमें बना है औ जुकिर दूसरी तारी मुसन की अल मुहजर उमीन मुकररन मिसलो तरीक़रीक यानी तहज़ीर वो इसमें मनसूब है जो इत फ़ेल का मुकदर का ऐसा मामूल हो जो मकर आए जैसे अ तरीक़रीक़ तारीफ की सूरत में महजर मिनु खुद वही मामूल होगा जो मुकर्र आया है और महजर मुखातब होगा मकाम तहजीर में फैल यानि आमिल नासिब को तंगी और वक्त की क़िल्लत की वजह से हजब कर दिया जाता है क्योंकि तहज़ीर का इस्तेमाल ऐसी सूरत में हुआ करता है जहाँ कोई मूजी चीज़ क़रीबुल करीबल हो और मतकलम को ये ख़तरा हो कि अगर मैं अपने कलाम में फ़ैले नासिब को भी ज़िक्र करूँगा तो महाज़र यानी मुखातफ मुखातब उस मोरी चीज़ से बच नहीं सकेगा इसलिए फेर नासिक को हजफ करके सिर्फ़ महाजर मनहू के ज़िक्र पर इत इफ़ा किया जाता है अगर उस मोरी चीज़ का वक़ू इंतहाई करीब हो चुका हो तो चूँकि इस सूरत में पहली सूरत के बनस्बत वक्त की ज़्यादा तंगी होती है लिहाजा ऐसी सूरत में महाजर महू मु को भी हजफ कर दिया जाता है और सिर्फ मुहजर महू को मुकरर लाया जाता है ताकि तहजीर में खूब मुबालगा हो और मुखा, मुखातब जल्द अज जल्द अपने आप को उस खतरे से बचा सके। ये जो हमने बात कही है ये असल में फैल नासिब के हजब करने का सबब है कि फैल नासिब को हजब क्यों किया जाता है तहजीर मकाम तहज़ीर में तो उसकी हमने वजह बताई कि कहीं ऐसा ना हो कि मुखातब को वो मोजी चीज़ ज़र्र पहुँचा दें तो वक्त तकी की किल्लत की वजह से फैल नासिब को हजब किया जाता है और इस जैसे मकाम पर फ़ैल को हजफ़ करना वाजिब क्यों है तो उसकी वजह यह है कि एक तो ऐसे मकाम पर करीना मौजूद होता है दूसरी वजह यह है कि ऐसे मौके पर फैल नासिब का कायम मकाम भी मौजूद होता है करीना तो मकाम तहजीर है यही उसका करीना है जो फैल महजूब पर दरारत करता है और फैल महजूब का कायम मकाम मफूल भी या तो मुहजर होगा या महजर मिनू होगा खैर बहरहाल आगे मुसनफ़ ने इस्तेमाल के तरीक़ बयान किए तकिया का मिनल असदी यहाँ से मुसनफ़ ये बताना चाहते हैं कि तहजीर की पहली तारीफ की पहली मिसाल इसमें महाजर मनहू इसमें शरी है उसको दो तरीक़ों से पढ़ा जाए वाऊ के साथ यानि इया का वसद और मीन के साथ भी पढ़ा सक पढ़ सकते हैं इया का मिनलदी और दूसरी मिसाल जिसमें महजर मिनहू इसमें तावेरी है उसको तीन तरीकों से पढ़ा जा सकता है जहाँ इसमें शर्खी या इसमें हकीकी है उसको कितने तरीके से पढ़ा जा सकता है दो तरीके से एक वाव के साथ या कवल असदा और मिन के साथ भी या का मिनल असदी और जो दूसरी मिसाल दी है इसमें तावीली की या का तहजीफा तो इसको तीन तरीके से पढ़ा जा सकता है यानी वाव के साथ या का व अन तहजीफा वाव के साथ मिन मलफूज के साथ या का मिन अन तहजीफा मिन मलफूज यानी मजकूर है और मिन को मुकद्दर मानने के साथ भी या का अन तहजीफा असल में है या का मिन अन तहजीफा तो खुलासा यह हुआ कि इसमें तावीली में मिन को मुकद्दर मानकर पढ़ना जायज़ है ईया का ईया का अन तहजीफा यानी इया का मिन अन तहजीफा तो इसमें तावीली में मुकद्दर मानना जायज़ है क्यों क्योंकि हरफ जर का अन और अन्ना से हजफ क़ियासी है लेकिन इसमें शरीकी या इसमें हक़ीक़ी में मिन को मुकद्दर मानकर कल असदा कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि अन और अन्ना के बगैर मीन का मुकद्दर मानना सही नहीं है मना है और चूँकि असदा जो इसमें सही है उससे पहले अन अन्न या अन्ना नहीं है इसलिए मीन को मुकद्दर मान कर कल असदा ये पढ़ना दुरुस्त है नहीं है इसी को मुसन्फ़ ने फरमाया तकदा अब आगे हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि ईया कवल असदा इसकी तहकीक क्या है और इसकी असल क्या थी चुनाच आप गौर से सुने और समझने की कोशिश करें कि ईया कवल असदा असल में है का मिनल असदी वल असदा मिन मिनफसी का यह असल है उसका मगर चूँकि अफ कुलूब के अलावा में फाइल और मफूल की ज़मीर का किसी फैल में बिला फसल जमा होना जायज़ नहीं जबकि दोनों ज़मीर का मर्जा एक हो और यहाँ पर देखिए का में ज़मीर फ़ाइल अंता और जमीर मफूल का दोनों ऐसे फ़ैल में जमा हो गए हैं जो अफाल कलू में से नहीं हैं। और दोनों का मर्जा एक ही चीज़ है यानि मुखातम इसलिए इन दोनों ज़मीरों के दरमियान फ़सल करने की ज़रूरत हुई लिहाजा लफ्ज़ नफ्स को ज़्यादा किया गया अब तकदीर इबारत यह निकलेगी इतकी नफ्स का मिनल असदी वल वसद मिन नफ्सिका फिर मातूफ़ अलह यानी पहला वाला इतकी का मिनल मिनि मातूफ अलई यानि इत का मिनल मिनदी के अज्जा में से नफ्स पर इक्तफा करते हुए मातूफ अल असद मिन नफसिक के अज्जा में से मिन नफसिक को हज़ब कर दिया मातूफ अलई में नफ्स का मौजूद है उस पर इक्तफा करते हुए मातूफ में यानी अब असद मिन नफसिका मिन नफसिक को हजफ कर दिया तंगी इबारत इस तरह बनेगी इतकी नफ्स का मिनल असदी मिनलदी असदा फिर मातूफ के अज़ा में से अल असद पर इतफ़ा करते हुए मातूफ अले के अज्जा में से मिनल असद को हजब कर दिया तो अब इत नफ्स का वल असद हुआ फिर तंगी वक्त की वजह से इतकी फेल को भी हजब कर दिया और जब इत को हजब कर दिया तो नफ्स लफज नफ्स को भी हजफ कर दिया गया क्योंकि उसको तो फाइल और मफुल की ज़मीर के दरमियान फसल के लिए लाया गया था अब जब इत फेल को हजफ कर दिया तो उसकी ज़रूरत न रही अब बाकी रहा का क्वल असद फिर ज़मीर मनसूब मतसिल का को ज़मीर मनसूब मनफसल से या कसे बदल दिया इया का वल असदा हो गया क्यों बदला क्योंकि जिसके साथ वो जमीर मुतसिल था वो बाकी नहीं रही अब वो बाकी नहीं रहे तो उसको जमीर मुनफसल बना देंगे तो ईया का वल असद हो गया इस तरीके से का तहजीब इस मिसाल में अन तहजीब इसमें तावीली है और इसकी वजाहत यह है कि तहजीफ फैल मुजारे पर अन मजदरिया दाखिल है और अन मजदरिया के दाखिल होने का मतलब यह है कि फ़ेल को मज़दर के मन में कर देगा इसका तरीका यह है कि जिस फ़ैल पर हरफ मजदरिया दाखिल हो पहले उस फ़ैल का मजदर निकाला जाए फिर उस फ़ैल में जो ज़मीर हो यहाँ पर जैसे वाहि मुजक्कर हाजिर का सेका था तो जो ज़मीन निकलेगी काफ़मीर मुखातब की तो उस मज़दर की इजाफत उस ज़मीन की तरफ की जाए इसी मिसाल मजकूर में तहज़ीब फैल मुजारे को मजदर में लिया ले लिया जाए और उसका मजदर हजफुन निकलेगा और चूँकि तहजीब के अंदर मुखातब की ज़मीन है ज़्यादा हजब मजदर की इजाफ़त उसकी ज़मीन मुख़ातब की तरफ की जाएगी हज फूका हो जाएगा तो गोया के अंद तहज़ीब हजफूका के माना में है और ये भी इस महल की मजदर की तावील में होकर हजफ लगत में खरगोश को लकड़ी से मारने को कहते हैं इसलिए इया का तहजीबा क्या असल होगी इया का वस इया का वजफ फकल अरनबा दिखा जाए उसका निकाला जाएगा ये उसकी असल होगी इया का वसद और या कवान तहजीब की असल होगी उम्मीद के आज का ये दर्श आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे एक बात और समझ लीजिए कि मुसनफ़ ने इसे कहा है वजूबन वजूबनफी अरबात मवाज़िया कि चार जगहों पर मफुल बही के फ़ेल को हजफ करना वाजिब है इसका मतलब ये नहीं है कि बस यही चार जगह इसके अलावा और जगहों पर हजफ करना वाजिब नहीं बल्कि और भी जगह हैं जहाँ पर मफुल बही के हजफ करना वाजिब है मुसनफ़ ने तो इन चार को इसलिए बयान किया कि ये कदर तफ़ील इनके अंदर है और ये तफसील को चाहते हैं इसलिए मुसनफ़ ने ख़ास तौर से इनका जिक्र किया वरना इसके अलावा भी और भी जगह हैं जहाँ पर मफुल बीकी फ़ैल को हज़ब करना वाजिब है जैसे कि बोलते हैं अखाका अखाका अखा यानी अलजि अखाका अपने भाई को लाजिम पकड़ो इस तरीके से कहा जाता है अल्तिहाद अल्तहाद यानी मेहनत को लाजिम पकड़ो मेहनत करो इसका नाम अगरा है और हमने अभी जो मिसालें दिए या कवल असद हमने जो सबक पढ़ा है वह तहज़ीर है तहजीर और इगरा में फ़र्क ये है कि तहजीर के अंदर मुखातब को नापसंददा चीज़ से बचाना मकसूद होता है जैसे या कबल असद या अलकसल अलस्ल या कसल सुस्ती से बच और इगरा के अंदर पसंदीदा चीज़ पर मुखातब मुखात। को आमदा करना होता है जैसे अल अल इश्तिहाद इश्तिहाद अल्तहाद मेहनत को लाज़िम पकड़ो अल्लाह ताला हम सब को अलमनाफ़्यात फ़रमाएँ और हमारे इस पढ़ने पढ़ाने कबुल फ़रमाएँ वाला तहमद वाली वसलिन السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله